I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी तो सौतेली भतीजी की शादी होने जा रही है ना? ये कौन है? मेरी बेटियां। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने मलिक शहबाज ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अपने ही भाई से खाया। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आप हमारी माँ की सौतन हैं? इस जग में तो पानी भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत प्यास लग रही है। जग मुझे तो मैं लेके आती हूँ। आप लेकर आएंगी? अभी क्या हो गया आपको? पता नहीं इस घर के लोग क्या सोचेंगे। मुझे तो वैसे ही बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, हम किसी मुलाजिम का वेट करते हैं, हो सकता है कोई आ जाए, उसी से मंगवा लेंगे। आप मत जाएं। इसमें डरने वाली क्या बात है मिनहल? और तुम भी ना बहुत ही पागल हो, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। लो मुझे तो, मैं लेके आती हूँ। आप ही मत जाएं। मिनहल क्या हो गया? जग दो मुझे। ध्यान से जाएगा प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। किसने दिया तुम्हें यहाँ का एड्रेस? बताओ मुझे। फुल स्टॉप। रुक जा। ये घर मेरा है और मैं हूँ मलिक बालाज। मैं मेहमान हूँ यहाँ। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। कहाँ है किचन? पानी चाहिए मुझे। जी सरकार। ये लड़की मेहमान कौन थी? छोटे सरकार की बेटी थी।
कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग अपने से छोटों को कीड़े मकोड़े समझ के रोन के आगे बढ़ जाते हैं। जाहिल पेंडू, अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई होती ना तो अभी अपनी गलती मानते, मुझसे माफी मांगते तुम, इस तरह बदतमीजी ना करते। तुम दोनों की मां परसों पहले हमारे घर से अपना हर ताल्लुक खत्म करके चली गई और तुम्हारे बाप ने उसी औरत के लिए सारी जिंदगी हमसे झूठ बोला। अब उस औरत ने तुम लोगों को यहां किस लिए भेजा है? हमारी अम्मी ठीक होती तो हम लोग यहां कभी भी ना आते। अम्मी हमें इस घर में कभी भी नहीं आने देती और ना ही हम लोग आना चाहते थे। बाबा लेकर आए हैं हमें यहाँ, उन्होंने आपसे क्यों झूठ बोला हमें नहीं पता। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ बाबा दे सकते हैं। तुम दोनों ऊपर जा सकती हो। वैसे मलिक सरकार, ये दोनों लड़कियां ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। बातों में उलझाने का फन इन्हें खूब आता है। सब कुछ इन्होंने समरीन से ही सीखा है। बीबी जान, बाबा सरकार को इन दोनों से इतनी नरमी से बात नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता, मैंने अच्छी तरह जानती, बहुत चालाक हैं दोनों। तुम कब भी ली इन दोनों से? इधर आप, तेरी बात सुन। मैं जानता हूं कि ये घर तुम लोगों के लिए नया है, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, सब कुछ नया है तुम लोगों के लिए। मुझे यकीन है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। सईदा से मैंने बोला है, वो तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेगी। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, बल्कि आप उनसे कहें कि हमारे सामने भी आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रिया, झूठ बोला हमने हमसे। हमें उनकी किसी भी किस्म की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। बेटा वो वैसी नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हो। आप उनकी यहाँ हिमायत करने आए हैं, हमारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आई थी। आप पी लीजिएगा। तुम लोग परेशान नहीं हो, रात काफी हो गई है, रेस्ट कर लो तुम तो। Thank you.
साइदा यहां मेरे पास बैठो। ओरी और मिनल की बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सईदा वो ना समझ है, तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो तुम्हें जान जाएंगी और फिर जितनी भी गलत फहमियां हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी और फिर देखना एक दिन वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब होंगे। मैं आपकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती हूँ। मेरी औलाद नहीं है और ना ही कभी मैंने जिंदगी में शिकवा किया है इस बात का, लेकिन अब समझ में आया कि इसमें क्या मसलहत थी। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरी ही बेटी है, मैं ही उनकी माँ। मैं समरीन की जगह तो नहीं ले सकती और ना ही आपके दिल में वो मुकाम रखती हूँ जो उनका मुकाम है। उनका मुकाम तो हमेशा वही रहेगा। आपने जो मुझे इज्जत दी है मेरे लिए यही काफी है। मैं पूरी और मिनल को उनकी माँ से दूर नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनको उनकी माँ की कमी महसूस ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत की ये बारिश एक दिन इस गलत फहमी को धो डालेगी। उनके लिए ये माहौल बिल्कुल नया है। तुम कोशिश करो कि वो जल्द अज जल्द इस माहौल में एडजस्ट हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, वो दोनों यहाँ बहुत खुश रहेंगे। कब से तुमसे कह रही हूँ कि अंबर के कपड़े ले आओ दर्जी के पास से, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? फौरन लेकर आओ। अच्छा ठीक है, क्या बात है मलिक सरकार, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं वजाहत की बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ। आपको उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, आप तो अपनी बेटी के बारे में सोचिए ना। आपकी लाडली की बेटी की शादी होने जा रही है और अल्लाह का कितना शुक्र है कि वो शादी के बाद इस घर से रुखसत नहीं होगी बल्कि हमारे साथ ही रहेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ताया जान हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हैं। ये क्या कह रही हो लड़की, ताया जान? ताया सरकार कहो इन्हें तुम, जैसे बालाज इन्हें ताया सरकार कहता है और अंबर बाबा सरकार कहती है। सरकार, यहाँ किसकी हुकूमत? रिश्तों में कैसी हुक्मरानी? रिश्तों में तो सिर्फ मोहब्बत होती है, एहसास भी मोहब्बत का, अल्फाज भी मोहब्बत के। जैसे ताया जान, क्यों बीबी जान है ना, आपको सब बीबी जान कहते हैं ना,
अच्छा लगा मुझे, मैं भी आपको बीबी जान कहूंगी। लेकिन ताया सरकार नहीं, ताया जान। तुम जो अपना काम करो। बेटियों को तुम्हारी इजाजत के बगैर घर ले गया हूं। मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। अगर था मजबूर था उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे क्या पता था सालों बाद मिलोगी तो इस तरह से चुप, बिल्कुल खामोश। मैं तो सोच रहा था कि जब भी मुलाकात होगी हजारों गिले करोगी, शिकवे करोगी, लड़ोगी मुझसे। जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बगैर अधूरी हैं। और मैं भी वापस आ जाओ यार, तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। बल्कि यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी कोई कीमती चीज मुझसे बहुत दूर चली गई है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, अपने घर को भी। क्या करूं, मजबूरी है, यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा वो यार वहां तुम खुश तो हो ना, और तुम्हारे ददियाल का रवैया तुमसे ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है सब। वैसे भी हमें आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। अच्छा वो कैसी है मनल, कैसी है छोटी? मनल ठीक है, शायद उसका दिल लग जाए यहाँ। गुड। पूरिया वो मैंने तुम्हें देखना है यार, अगर तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ अभी। हाँ यार मुझे तो सिर्फ तुम्हें देखना है यार। यूं लग रहा है जैसे सदियां बीत गई यार तुम्हें देखे हुए। सच्ची अभी नहीं दानिश, अभी नहीं, कुछ दिन बाद मिलते हैं। अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, अभी मुनासिब नहीं है। क्या हो गया, अब तुम क्यों खामोश हो, नाराज हो गए? नहीं नाराज नहीं हुआ यार, मोहब्बत की है तुमसे, बस कभी कभी उदास हो जाता हूँ यार।
ऐसा लगता है यार कि मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। अच्छा तो तुम क्या करते? मैं तुम्हारे बाबा से कहता कि मेरी फौरन से गुड़िया से शादी कर दे। कि मैं उसे अलग नहीं रह सकता? कह देते, कहा क्यों नहीं। माँ, माँ, फाइट? तेरी माँ, माँ। अरे बेटा, क्या हुआ? मैं बताता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो आपकी मिठाई खाइए। अच्छा बाबा, खा ली। अब तो बताओ किस खुशी में है? कहीं अपनी पसंद की शादी तो नहीं कर ली? शादी तो मैं आपकी पसंद से करूंगा ना। यानी मिनहल सिर्फ मेरी पसंद है, तुम्हारी नहीं है। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो क्या है ना कि माँ की पसंद को अपनी पसंद बनाने का भी तो स्वभाव मिलता है। बस इसीलिए मिनहल मुझे अच्छी लगने लगी। शरीर हो गया, बहुत शरीर हो गया, सब समझती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, ये मिठाई है किस खुशी में? माँ, आपके बेटे को एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। सच में? माशाल्लाह, जीता रहे, खुश रहे बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भाई, तेरा लाख लाख शुक्र। देखा बेटा, देखा, कहती थी ना ये मिनहल कितने किस्मत वाली है, तुम्हारी जिंदगी में आई है, आते ही तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा, और कुछ नहीं। जी कुछ नहीं, माशाल्लाह। थोड़ी सी और खाओ। तुम भी तो खाओ ना। मैं नहीं। ये साइकिल तुम्हारी? जी बीबी जी, वो अब्बा ने दिलाई थी तीसरी जमात पास होने पर। इसमें आधे पैसे मेरे ईदी के हैं, बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा, किसके बेटे हो तुम? अब्दुल मजीद है मेरा नाम, तो मेरे अब्बा का नाम गुलाम दीन है। गुलाम दीन के बेटे हो तुम? साइकिल तो वैसे बड़ी अच्छी है तुम्हारी, मुझे चलाने दोगे?
आप, हम तो आपके गुलाम हैं, आपको मना थोड़ी कर सकते हैं। छोटे से हो तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता काफी अच्छी दोस्ती होगी हमारी। नौकर और मालिक दोस्त थोड़ी हो सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? चल भाग यहाँ से। ये क्या तरीका था? हमारे घर की औरतें बगैर चादर के घर से बाहर नहीं फिरती, और इन कमी कमीनों के सामने ज्यादा बातें नहीं करती। चलो जाओ घर के अंदर। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ घर के अंदर जाओ। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले, और तुमने उससे बदतमीजी क्यों की है? मैं कौन हूँ? हाथ छोड़ो, हाथ क्यों लगा रहे हो मुझे? चाचू, मालाज, अपनी बेटी को एक बात समझा दे कि शरीफ और इज्जतदार खानदान की औरतें बिना दुपट्टे के मुलाजिमों के सामने। मालाज, हुआ क्या है? इनको इस घर में रहने के तौर तरीके अच्छी तरह से समझा देना, लेकिन तुम ठीक ही तो कह रहा है बालाज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अपनी बेटियों को यहां लाने से पहले उन्हें इस घर के तौर तरीके सिखाने चाहिए थे। तुम दोनों अंदर जाओ। कहा ना, अंदर जाओ। सरकार, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी नई नई इस घर में आई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इस घर के और तरीके सीखी जाए। मलिक वजाद, अपनी बेटियों को समझाओ औरतें किस तरह बोलती हैं, किस तरह रहती हैं, उनका उठना बैठना इस तरह मर्दों के दरमियान नहीं आया जाता, समझे? शाहद, तुम अपनी बीवी के सामने जितने कमजोर थे, आज भी उतना ही कमजोर हो अपनी बेटियों के सामने। याद रखो, कमजोर मर्द खुद सर औरतों को काबू में नहीं रख सकते, समझे तुम? ठीक, मैं समझाता हूं। एक इलाज है मेरे पास। बेटा, यहां का माहौल उस घर जैसा नहीं है। मैं तो शुरू से ही ऐसी हूं, और मेरी अम्मी ने कभी मुझे मना नहीं किया। बेटा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करो। बेटा, पापा क्या चाहते हैं? हम कैद होके रह जाएं इस घर में? हमारा दम घुटने लगा है यहाँ बंद बंद, हमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता यहाँ। और ऐसा क्या हो गया? क्या कर दिया हुरिया आपने जो चली गई? कौन सी आफत आ गई? बाहर जाने से कोई मना नहीं कर रहा। अगर तुम दोनों को बाहर जाना है तो तुम सईदा के साथ जा सकती हो। जी क्यों नहीं, इनके साथ। इनके साथ हमें कहीं नहीं जाना। देखो बेटा, मुझे यकीन है कि तुम दोनों खुद को इस घर में एडजस्ट कर लोगी, और अपने बाप की बात को समझने की कोशिश भी कर।
दोनों अभी मुझसे नाराज हैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को खाने में क्या पसंद है? तुम्हारा पसंदीदा खाना बना के मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों के लिए मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा रिश्ता ही तुम दोनों से ऐसा है, लेकिन मैं अब तुम दोनों को देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पहले से रिश्ता है, बहुत गहरा। मेरी औलाद नहीं है, लेकिन तुम दोनों को देख के ये लगता है कि मैं अब कोई औलाद नहीं रही। दोनों को खाने में बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। सुनो, बलाज का कमरा कौन सा है? ऊपर कोने वाला। मर्दाना गरूर तो कूट कूट के भरे तुम में। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों, तुम मेरे अब्बा हो या ताया अब्बा हो? तुम जानती नहीं हो कि तुम बहुत ही बदतमीज हो और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। वो तो शुक्र करो कि तुम इस घर में नई नई हो, इसीलिए ताया सरकार ने तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी, वरना क्या सर कलम कर देते मेरा या सूली से लटका देते। बच्ची नहीं हूं, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। सदके लड़की बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो तो। शायद तुम मुझे अभी तक अच्छे से जाने ही नहीं। पहली मुलाकात याद है तुम्हें? वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। भूलना भी नहीं। सुना तुम्हारी शादी हो रही है अंबर से। शादी बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या हो गया? थैंक्स कहना भी नहीं सीखा तुमने। चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। शादी के बाद बेचारी अंबर से लड़ते रहना हर वक्त, किस्मत ही खराब। सॉरी एक बात और, हर वक्त गुस्से में रहने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है। एक बात और, ना मैं तुम्हारी गुलाम हूं और ना ही तुम्हारे ताया सरकार की।
जी भाई, हुकुम। मैंने तुम्हें पुरानी बातें दोहराने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ कुछ रिश्ते याद दिलाने थे। मैं समझा नहीं आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, सब भूल गया होगे तुम्हें, लेकिन मुझे सब याद है। वो तुम्हारी बेटी, क्या नाम है उसका? होरिया। हाँ वही, होरिया और बालाज, इनका रिश्ता तय हुआ था, याद है तुम्हें? जी, होरिया बालाज की मांग थी। थी नहीं, मांग है। हमारे खानदान में मांग निकाह की हैसियत रखती है। मैं चाहता हूं बालाज और होरिया की शादी कर दी जाए।